चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री फगन कुलस्ते ने की मुलाकात, संत कबीर कुटीर में की मुलाकात। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। सीएम से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, बड़ी जानकारी आपको बता दें, संत कबीर कुटीर में ये मुलाकात हुई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी सीएम से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, संत कबीर कुटीर में मुलाकात हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की चंडीगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने मुलाकात की, संत कबीर कुटीर से ये मुलाकात हुई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम से केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुलाकात की, फगन सिंह कुलस्ते ने मुलाकात की है, संत कबीर कुटीर में मुलाकात हुई है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते और संत कबीर कुटीर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री जेपी दलाल, मंत्री बनवाली लाल और राज्य मंत्री अनुप थानक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, इनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी मिली, जबकि 8 एजेंडे स्थगित हुए हैं। सीएम ने बताया कि सरकार ने कुल 275 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। सिंचाई विभाग के 11 एजेंडे भी सामने आए थे। सीएम ने बताया कि पशुओं का बीमा करने के लिए 3 साल के लिए एक एजेंसी के साथ समझौता हुआ है। हाई पावर परचेज कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी एक कुछ एजेंडा थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे, तो वो भी ये कंपनी के द्वारा हुआ है। और पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है, पशुओं का बीमा जो है पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है, तो ये एक अच्छी स्कीम हमारी चल रही है। कुल मिलाकर के आखिर पारदर्शिता आनी चाहिए और एक प्रक्रिया भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन का सिस्टम जो है बहुत कोई अच्छा खुद ही मार्क नहीं था और कई बार तो L1 से एक ही आदमी को बुला करके उसी से नेगोशिएशन करते थे, लेकिन नेगोशिएशन का एक नियम है कि जब तक कंपटीशन में दूसरी पार्टी नहीं हो तब तक नेगोशिएशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने उसमें कम से कम 2 पार्टी होना अनिवार्य कर दिया है, या जिनका 5% के रेंज के अंदर जो होंगे तो मिनिमम 5, यानी जो L5 तक, L1, L2, L3, L4, L5 उनको बुलाएंगे। 5% की सब पार्टियां जो आएंगी, अगर 5 से नीचे केवल एक ही है जो L1 है तो L2 जिस भी रेट का किसी भी अंतर का होगा उसको भी बुलाएंगे। तो ऐसा ही निर्णय भी किया है ताकि सब लोग जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से नेगोशिएशन की जा सके। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है और उस सुझाव में
अभी कोई फॉर्मल उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, एक सुझाव के रूप में कुछ कहा है, जो सुझाव देने वाले स्वयं ही कोई उसका प्रारूप कोई उसका बना के लाएंगे कोई, तो उसके बाद देखेंगे फिजिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। और वो आखिर कोई हरियाणा सरकार के हाथ में अकेले नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टेट्स का मामला है, सेंटर का मामला है, तो उस नाते से कभी चलेगा चलेगा, वरना तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हमारे लिए वही फाइनल है कि SOL जो है उसका प्रूफ है उसी पर वो बनेगा। दल की बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्षता की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 मई को जंतर मंतर जाएंगे कांग्रेस विधायक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बड़ी खबर, अहम जानकारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्षता की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। 13 मई को जंतर मंतर जाएंगे कांग्रेस विधायक। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को सौगात देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को देंगे समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्षता की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई है। 13 मई को जंतर मंतर जाएंगे कांग्रेस विधायक। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को देंगे समर्थन। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 13 मई को जंतर मंतर जाएंगे कांग्रेस विधायक। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 मई को यमुनानगर के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां से मनोहर लाल यमुनानगर स्थित मुकुंदलाल सरकारी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर यमुनानगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने उद्घाटन स्थल का दौरा किया। साथ ही आपको बता दें, यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और बीजेपी के जिलाध्यक्ष के अन्य पदाधिकारियों के साथ उद्घाटन स्थल का दौरा लिया और स्थिति का जायजा लिया। बताया कि मुख्यमंत्री 105 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 45 अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। हमारा जो है कल स्टेट लेवल का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, जिसके तहत वो हमारे यमुनानगर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी जो नई बिल्डिंग बनी है उसका तो उद्घाटन अपने हाथों से स्वयं यहाँ से करेंगे। और बाकी 46 और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि हरियाणा राज्य के अलग अलग जिलों में फैली हुई हैं उसका भी जो है उद्घाटन वो यहीं से करेंगे। और बाकी सभी जिलों में जो है वहाँ के जो डिग्निटरीज हैं और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम पर जो सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए जो बंद है वो बिल्कुल चौकीदार है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिपोर्ट्स जो है वो उपलब्ध है। सभी ब्रीफिंग लगातार की जा रही है, एंटी सबोटाज चेक और कॉम्बिंग वो लगातार करवाई जा रही है। जहाँ तक किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से अपना कोई प्रदर्शन करना है वो कर सकते हैं। काफ़ी ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है, अभी कुछ डॉक्टर्स कमी में अभी पिछले हफ्ते ही 5 नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं। जैसा कि सीएमओ ने बताया है कि अभी 9 नए डॉक्टर्स अपॉइंट करने के लिए उन्होंने एक वैकेंसी पुनः निकाली है। डॉक्टर्स की कमी भी शीघ्र पूरी होगी, तो हॉस्पिटल तभी कामयाब हो पाएगा जब हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होंगे। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं और मुझे उम्मीद है कि स्टाफ भी जल्द पूरा होगा।